कक्षा 11वीं विषय गणित प्रश्नावली 21 से अध्याय 21 प्रायिकता। एक पासा फेंका जाता है। मान लीजिए कि ई घटना पासे पर संख्या 4 दर्शाता है और घटना एफ पासे पर सम संख्या दर्शाता है। क्या ई और एफ परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं? तो इसके हल में देखिए, क्योंकि यहाँ पर यह जो कंडीशन है क्या है, ई बराबरी से काहे पर पासे पर संख्या 4, ई बराबरी से पासे पर संख्या कितनी 4, तो हम जानते 4 है पासे पर, तथा घटनाएं तथा घटना एफ बराबरी से पासे पर सम संख्या, पासे पर सम संख्या कौन कौन सी, तो हम इसे सब जानते। सम संख्या मतलब 2, 4, 6। अब यहां ध्यान से देखो, क्योंकि ई और एफ का अगर हम इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं, ई इंटरसेक्शन एफ, तो उसमें एक अवयव 4 दोनों में आ रहा है, मतलब नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ में अवयवों की संख्या कितनी आ गई, 1 आ गई। और हम जानते क्योंकि परस्पर कैसी घटना, अपवर्जी घटनाओं के लिए, परस्पर अपवर्जी घटनाओं के लिए ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू होती है फाई के बराबर, तो हम लिख सकते हैं अतः ई और एफ, अतः ई और एफ कैसी, परस्पर अपवर्जी घटनाएं नहीं है, अपवर्जी घटनाएं नहीं। आइए इसी में अगला प्रश्न देखिए। एक सिक्के को बार बार उछालते रहते हैं जब तक कि उस पर चित्र ना जाए, इसकी प्रतिदर्श समष्टि लिखिए। एक सिक्के को तब तक उछालते जब तक उस पर चित्र ना जाए। इस प्रयोग में चित्र मान लो ये प्रयोग कर रहे हैं, इस प्रयोग में जो चित यानी कि हेट की संभावना हो सकती है, कब, प्रथम उछाल में, कब हो सकती है, प्रथम उछाल में, या तो द्वितीय उछाल या कौन सी तृतीय उछाल। इत्यादि में जब सिक्के को उछालेंगे तो चित कभी भी आ सकता है, या तो पहली बार में आ गया, या दूसरी बार में आ गया, तीसरी या चौथी, ऐसी इत्यादि। स्थिति में आ सकता है, अतः वांछित, अतः इसके आधार पे वांछित प्रतिदर्श, अतः वांछित प्रतिदर्श समष्टि क्या होगी, एस बराबरी से, यदि प्रथम उछाल में एट आ गया तो प्रथम में टेल आ गया, द्वितीय में हेड आ गया, प्रथम में टेल, द्वितीय में भी टेल, तृतीय में हेड, प्रथम में टेल, द्वितीय में टेल, तृतीय में टेल,
फोर्थ में हेड, प्रथम में टेल, द्वितीय में टेल, तृतीय में टेल, फोर्थ में टेल, फिफ्थ में हेड, ऐसी संभावनाएं हो सकती है। तो ये इसका हल, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतने ही से इसका हल। धन्यवाद।